गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई ए एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इन्वायरमेंट uh, से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड क्राउंड रूफ टर्टल तो आज की क्लास में हम रेड क्राउंड रूफ टर्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्टल जो है रेड क्राउंड रूफ टर्टल ये न्यूज़ में क्यों है तो रिसेंटली इंडिया जो है क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ नाइन्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है साइट्स की ठीक है साइट्स होती है आपकी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है की जाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज uh, की एनिमल स्पीसीज की तो उसके रिगार्डिंग जो ये जो है आपकी साइट्स जो है ये होती है और उसी की जो है नाइनटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या नाइनटीन नाइनटीन्थ मीटिंग जो है उसकी करवाई गई थी पनामा में तो वहाँ पे इंडिया ने जो है वो प्रपोज किया है कि वो जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है रेड क्राउंड रूफ टर्टल को तो उसके बारे में इंडिया ने क्या क्या बातें की हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस की जो हाईलाइट्स जो हैं कि मेन बातें जो हैं वो क्या की गई हैं तो ये जो आपका रूफ टर्टल जो है रेड ने रेड क्राउंड रूफ टर्टल ये टर्टल जो है इसको अपेंडिक्स टू में रखा गया है साइड्स के अपेंडिक्स टू में अपेंडिक्स बेसिकली लिस्ट होती है जिसमें जो वेरियस स्पीसीज जो होती हैं उनको रखा जाता है और इंडिया चाहता है कि उसको अपेंडिक्स टू से मूव करके अपेंडिक्स वन में रख दिया जाए अब इसमें होगा क्या बेसिकली साइट्स की जो लिस्ट होती है ये तीन तरीके की लिस्ट होती है एक होती है अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू एंड देन अपेंडिक्स थ्री ठीक है तो इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आप जो है इसके अपर लेवल पे जाते जाते हो मान लो जैसे आप पहले अपेंडिक्स वन में थे तो उसमें आपको थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है और अपेंडिक्स वन में उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है किसी भी स्पीसीज को वो अपेंडिक्स वन में दी जाती है साइड्स के अपेंडिक्स वन में

कम से कम एक कंट्री में जो है प्रोटेक्शन वो मिली हुई हो ठीक है मान लो कि उस कंट्री ने उसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी uh, में रखा हो तो वो जो है वो आपकी अपेंडिक्स थ्री में आ जाएंगी अपेंडिक्स टू में कौन सी स्पीसीज आएंगी इंक्लूड स्पीसीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेड विद एक्सटिंक्ट बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल की ऐसी स्पीसीज जो कि थ्रेटन जो है वो नहीं है लेकिन फिर भी उनका जो ट्रेड है उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो किया जाना चाहिए और सबसे जो ज्यादा प्रोटेक्शन जो दी जाती है वो दी जाती है खतरा जो है उनको जो है अपेंडिक्स वन में रखा जाता है तो अभी इंडिया क्या चाह रहा है कि जो अपेंडिक्स टू में ये जो टर्टल की स्पीसीज जो है उसको वहां से मूव करके अपेंडिक्स वन में रख दिया जाए और देखते हैं हाईलाइट द नाइनटीन्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू साइड इज बी इज बींग सिडर स्ट्रिकर ट्रेड फॉर नियरली सिक्स हंड्रेड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बिलीव टू बी अंडर इंक्रीज थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड की इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इनका जो जो इनके ऊपर जो थ्रेट है एक्सटेंशन का वो बढ़ जाता है तो इसी वजह से ये जो है इसके ऊपर जो है बात की गई थी उन्होंने कहा था कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई कि नियरली 600 हंड्रेड ऑफ एनिमल और प्लांट जो है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है जो कि एक्सटेंट हो सकते हैं अब रेड क्राउंड रूफ टर्टल के बारे में देख लेते हैं इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है बातागुर कचुगा और जो इसका कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है इसका बंगाल बे, रूफ टर्टल रेड क्राउंड रूफ टर्टल ठीक है इन दो नामों से इसको बुलाया जाता है और जबकि जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है बातागुर कचुगा इसके बारे में देख लेते हैं द रेड क्राउन टर्टल इज वन ऑफ द वन ऑफ द ट्वेंटी फोर स्पीसीज एंडेमिक टू इंडिया की ट्वेंटी फोर स्पीसीज सिर्फ इंडिया में पाई जाती है रेड क्राउन टर्टल भी उनमें से एक है इसके कैरेक्टर देख लेते हैं ये ब्राइट कलर का होता है ब्राइट कलर्स होते हैं इसमें अभी आगे जाके मैं इसको इसकी फोटो जो है वो आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से कलर आते हैं रेड येलो व्हाइट एंड ब्लू ऑन फेसेस एंड नेक्स ऑफ द मेल्स की मेल्स के फेस के ऊपर रेड येलो और ब्लू कलर जो है

उसके अलावा हिस्टोरिकली द स्पीसीज वाइड वाइड स्प्रेड इन गंगा रिवर कि गंगा रिवर में जो है ये पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ये स्पीसीज जो है वो पाई जाती थी बोथ इन इंडिया एंड बांग्लादेश इट ऑल्सो अकर्ड इन ब्रह्मपुत्र बेसिन कि ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो है ये टर्टल जो है वो पाया जाए जाता था पहले लेकिन करंटली अभी ये कहां, कहां पे पाया जाता है नेशनल चंबल चंबल रिवर घडियाल सेंचुरी इज द ओनली एरिया विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज कि यहीं पर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसकी पाई जाती है रेड ग्राउंड रूफ टर्टल की कहा पे नेशनल चंबल रिवर रिवर घड़ियाल सेंचुरी यहाँ पे इसकी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है अब थ्रेट देख लेते हैं इसको किस किस चीज़ से थ्रेट है स्पीसीज इज हाईली ससेप्टिबल टू मेजर हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स एंड देयर इंपैक्ट जब हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है वहां पे बनाए जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि इनका जो नेस्टिंग बीचेज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वाटर पॉल्यूशन जो है वो कॉज होता है उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से भी जो रिवर जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जिस वजह से जो इनका जो हैबिटेट है उसको थ्रेट आ जाता है जिससे डायरेक्टली इनकी जो क्या कहते हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है उसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू पॉल्यूशन एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो इस वजह से भी इनका जो हैबिटेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है और जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन के ऊपर जो बैड इंपैक्ट जो है वो पड़ता है उसके अलावा ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ एनिमल फॉर इ लीगल कंजम्पशन एंड इ इंटरनेशनल ट्रेड आर अदर रीजन की जो इनकी इन लीगल कंजम्पशन की जाती है और इन इ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इनका किया जाता है तो उस वजह से भी इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो देख लेते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है उस कैटेगरी में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल वन में रखा गया है और साइट्स uh, में इसको अपेंडिक्स टू में रखा गया है अभी इंडिया जो है वो चाहता है कि इसको अपेंडिक्स वन में मूव कर दिया जाए तो आज की जो आपकी क्लास थी वो रेड क्राउंड टर्टल के बारे में थी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉमेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि जो आपका जुडिशी का एग्ज़ाम जो है वो उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो आँगे वो आ गई है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जैन जून जनवरी को जो है जो आपका एग्जाम जो है उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो निकाली गई है कि ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जैन को जो है 2023 उस दिन आपका जो जुडिशी का एग्जाम जो है वो हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग हमने जो है अपनी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स भी जो है वो आपको जल्दी ही आपके आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी तो अगर आप उसके बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या वो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच